हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों ये देखिए, मेरे पास ये दवा है जो कि ये मेरा थर्ड मंथ का दवा है, ठीक है ना। और दो और हैं उसको भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये दवा है जो ये मेरा थर्ड मंथ का दवा है। अब इसमें से मैं बारी बारी करके एक एक खाऊंगा पर डे। आप लोगों को पर डे एक वीडियो जरूर आएगा कि कैसे खाया जाता है ये चीज़ के बारे में। और ये मेरे सब दवा जो है ना, और ये है और दिखा दे रहा हूँ, ये सब मेरे जो दवा है ना, एक मर्ज का दवा है। ये देखिए दो ये और हैं, ये एक मर्ज का दवा है, ना कि इसमें मेरा दो मर्ज का है, एक मर्ज का है, ठीक है ना। ये आप बॉटल देख रहे होंगे लिक्विड लिक्विड फॉर्म में, ये एक ही है सब मेरे को मिला है। तो इतना सावा में दवा मेरा मेरा जो है ना, इतना दवा जो है मेरा, ये दवा सब ना मेरा, ये थर्ड मंथ का है। और मेरा मॉर्निंग का फर्स्ट दवा ये है कलौंजी। ये देखिए ब्लैक ब्लैक है ना, ये कलौंजी है मेरा मॉर्निंग का फर्स्ट दवा है। और सबसे पहले मैं दिखा दे रहा हूँ इसमें लिखा क्या है, कितना क्या खाना है क्या, क्योंकि थर्ड मंथ में कुछ चेंज तो नहीं है, वो चीज़ आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। कुछ अलग तो नहीं है। ये देखिए इसमें भी लिखा है सुबह सबसे पहले नहार मुंह, 50 साबुदाने खाने हैं चबा कर खाएं, ठीक है ना। ये चीज़ लिखा है इसमें, चबा कर खाने के लिए बोला गया है, 50 से 100 दाने खाना है, ठीक है ना। ये चीज़ है। और सबसे पहले इसके मैं फ़ायदे गिना दे रहा हूँ, क्या इसका ये मतलब कि कलौंजी के खाने के फ़ायदे क्या हैं। ये देखिए ये देखिए ब्लैक है एकदम, ठीक है ना। इसका खाने के फ़ायदे क्या क्या है, मतलब कि किस किस मतलब कि प्रॉब्लम के लिए फ़ायदा करेगा, वो चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे से शुगर हो गया, एक तरह से मैं गिनाए दे रहा हूँ क्या क्या मतलब कि इसके फ़ायदे हैं, ठीक है ना। इसके फ़ायदे भी पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, जानकारी में तो ज़रूर रहना चाहिए, जो आप चीज़ कर रहे हैं उसका तो ज़रूर रहना चाहिए। शुगर हो गया, अस्थमा, खांसी, जोड़ों का दर्द, यूरिन इन्फेक्शन, लीवर, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, कैंसर, किडनी प्रॉब्लम, और बवासीर, श्वेत प्रदर जिसको लिकोरिया बोला जाता है, और मुहासे, और मोटापा, ठीक ना। इस सब चीज़ों के लिए और भी चीज़ें हैं, ये और भी चीज़ें जैसे हेयर फॉल और इम्यूनिटी सिस्टम, ये सब चीज़ों के लिए बहुत बेहतर है। हाँ, ये कलौंजी, और कलौंजी को हमें अंग्रेजी में निगेला सीड्स भी बोला जाता है, ये चीज़ है। अब इसके फायदे तो बहुत चाह रहे हैं भाई साहब कि अब इसको खा के दिखा दे रहा हूँ कैसे क्या खाना है इसको। ये देखिए 50 से 100 दाने, ठीक है ना। और भाई साहब जो भी हैं खा रहे हैं ना, और जिसमें जितना इसमें लिखा है उतने ही मेरे ख्याल से जितना बोला गया उतने ही खाएं, अगर ज़्यादा खाने में थी तो वैसे भी तगड़ा है भाई। जितना बोला गया उतने खाएं, ज़्यादा खाने की कोशिश ना करें क्योंकि कुछ सोच समझ के इसमें लिखा गया है। और मुझे तो बताया कर दिया था, लेकिन गिन लीजिए एक दफ़ा 50 से 100 दाने कितने होते हैं, बीच में 100 दाने ले लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक ना। इससे ज़्यादा दाना नहीं लेना, फिर इसको एक बार अंदाज लीजिए कितना होता है कितना होता है कितना होता है, ऐसे करके मुझे तो बताया गया था इतना, तो मैं उतना खा ले रहा हूँ। और बारी बारी हर एक दवाइयों को मतलब खा के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा भी ये थर्ड मंथ का है, ठीक है ना, थर्ड मंथ का है, दिखा दे रहा हूँ खा के। ये देखिए इतना मुझे खाना है, मेरा अंदाज़ा है, ठीक ना। मैं खाता आया हूँ, कोई एक दिन का नहीं है कि मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, काफ़ी दिन से मेरा मतलब 2 महीना मैं तो खाए खाए चुका है रेगुलर। ये देखिए इसको हमें चबा के खाना है, ऐसे नहीं निगलना है, ठीक ना, इसको हमें चबा के खाना है। और वैसे भी मैं छोटी छोटी जानकारी आप लोग दिए दे रहा हूँ,
आपको सबसे पहले फ्रेश होना है, सुबह सुबह फ्रेश होने जाना है, फिर ब्रश कर लो, फिर इसको खा लो, ठीक है ना। जितना लिखा है उतना खाएं। इसका स्वाद जो है ना काफी कड़वा है, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगता कुल मिलाकर ये। और मेरे पास जितनी दवाइयां हैं उस चीज़ों हर चीज का बता दूंगा भाई कि कैसे खाना है। ये मेरा थर्ड मंथ का मॉर्निंग का फर्स्ट दवा है। चलिए आज का वीडियो इतना।